सीमा। हाँ। अच्छा हुआ यार जो तुम आ गई, हम सच में बहुत परेशान हैं। यार इनसे कछु नहीं होवत है, आते हैं कोशिश बहुत करते हैं, कछु नहीं होवत है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और सब झड़ जाते हैं। मोही तो लगत है मोरी किस्मत है फूट गई। सुनो ना, तुम परेशान मत हो, हमारी भी तो ऐसी जिंदगी थी 6 महीने पहले। फिर ना हमारी एक सहेली है, उसने ना हमको एक सेंटर के बारे में बताया। अच्छा, वो क्या नाम था? कामा देवी सेंटर। तो हम तो सोचे कि ऐसे ही बोल रही है। हाँ। तो हम ना बोले ठीक है, ये तरकीब इस्तेमाल करके देख ही लेते हैं। तो हम एक बार गए भाई, वहाँ तो योगा हो रहा था, कितनी औरतें वहाँ जाके कामा देवी के पास ऐसे बैठ के योगा कर रही थी। अलग अलग विद्या से वहाँ पे बीमारी का इलाज होता है। हम जाके बोले भाई कहाँ आ गए, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, और आज देखो हमारे मर्द को इतना कलाकारी सिखा दिया है कि दिन में पूरा दिन में तो 4 बार कर ही देता है। सच में? सच बोल रहे हैं, तुम भरोसा करो हम पे। तो क्या हमारी उनकी ऐसे टाइट हो जाएगी? अरे तुम चल के तो देखो, आज कितना 2 बच्चे तो हो गए। अभी उस दिन बोल रहे थे कि एक और करेंगे, हम बोले हमारी ये फिगर खराब नहीं हो जाएगी। हाँ सामान तो बहुत बड़े हो गए हैं, दिखाओ कुल बड़े हैं। सुनो ना, तुम कब जाओगी बताओ? अरे सुनो ना, वो तो वज्र मूर्ख आदमी है, थक गए हम समझाते। अरे समझाते। ऐसे बोलकर ले जाना कि आपको एक अलग से दुनिया दिखाने ले जा रही हूँ, वहाँ जाके औरतों को देखकर ऐसे ही दिल मचल जाएगा। तो ना आज रात को हम ना अपने पति से बात करेंगे, और अगर वो मान गए ना।